गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी एक बार फिर भगवान की शरण में पहुंचे। अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में राहुल ने पूजा अर्चना भी की। बता दें कि गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी का यह 27वां मंदिर दौरा था। राहुल ने गुजरात में प्रचार की शुरुआत प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में माथा टेक कर की थी और आज उन्होंने अपने प्रचार अभियान का समापन जगन्नाथ मंदिर में माथा टेक कर किया। वैसे लगातार मंदिर जाने को लेकर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर भी रहे हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर दर्शन के दौरान गैर हिंदू दर्शनार्थियों के रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस को बकायदा राहुल गांधी के हिंदू होने का प्रमाण तक देना पड़ा था। हालांकि इस घटना के बाद भी राहुल का मंदिर जाना जारी रहा और आज प्रचार अभियान के अंतिम दिन भी राहुल गांधी ने मंदिर में माथा टेका। इसके अलावा राहुल गांधी ने आज अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने गुजरात चुनाव के दौरान मंदिर जाने के सवाल पर कहा कि मंदिर जाना गलत है क्या। उन्होंने कहा कि वह मंदिर जाकर गुजरात के सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेक्युलर छवि के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस पहली बार गुजरात में हिंदू कार्ड खेल रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि वह अपने इस प्रयोग में कितना सफल होती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वैन टुडे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।